हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मलास किचन। आज हम बनाएंगे चूड़ा। ये चूड़ा आप तीन टाइप में बना सकते हैं सेम मेथड में। ये मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। आप चाहे तो सिर्फ कॉर्न का ही चूड़ा बना सकते हो। और ये पोहा लिया है मैंने, जो पोहा हम नाश्ते के लिए यूज़ करते हैं वही मैंने पोहा लिया है। और या तो आप सिर्फ पोहा का ही बना सकते हैं, और या तो पोहा और कॉर्नफ्लेक्स दोनों मिक्स करके भी आप बना सकते हो सेम मेथड में। तो आज हम दोनों मिक्स करके बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं हमेशा मसाला दाल यूज़ करती हूँ, रेडीमेड लाती हूँ। और अगर आपको रेडीमेड नहीं यूज़ करना है तो आप ये दालिया ले लीजिए, जो हम चटनी में यूज़ करते हैं, इसको भी आप फ्राई करके डाल सकते हो। फ्रेंड्स, हमारा तेल बहुत गर्म होना चाहिए, और अभी मैंने मीडियम गैस रखा है। मैंने फुल तेल गर्म करके लिया है फास्ट गैस पर। स्टीम लगनी चाहिए इस तरह से। अभी हम फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा पोहा डालेंगे और डिप करके ले लेंगे। इस तरह से आपको तुरंत निकालना है। ये देखिए, हमें कलर चेंज नहीं होने देना है। जैसे ही फूल जाएंगे तो तुरंत निकालना है हमें। समर पोहा फ्राई हो गया है। मैंने 250 ग्राम लिया था, पाव किलो। अभी हम शिंगदाना को फ्राई करेंगे। आपको इसमें माप नहीं है, ज़्यादा कम आप जो जितना डालना है आप डाल सकते हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ना कच्चा रखना है हमें। अभी मैंने गैस स्लो रख दिया है। सिंगदाना का कलर चेंज हो गया है जो फ्राई किया है हमने। अभी हम ड्राई कोकोनट लिया है मैंने, पतले स्लाइस किए हैं। देखिए, अभी हम कड़ी पत्ता डालेंगे। मुझे कड़ी पत्ता ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा लिया है। क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। अगर आपको दाल फ्राई करना है तो पहले दाल फ्राई कीजिए। ये देखिए, क्रिस्पी हो गया है। हरी मिर्च लिया है मैंने दो, आपको जितना चाहिए उतना लीजिए, तीखा वाला नहीं है। इसको भी हमें क्रिस्पी फ्राई करना है, कच्चा नहीं रखना है। अभी हम कॉर्नफ्लेक्स फ्राई करेंगे। हमें पहले फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको लगे आपके कॉर्नफ्लेक्स कम है और तेल ज़्यादा है तो आप निकाल लीजिएगा। क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स हम फ्राई करते हैं ना फ्रेंड्स, तो तेल काला हो जाता है। सेम मेथड में हमें फ्राई करना है। जैसे ही फूल हो जाते हैं हमें निकाल लेना है, डबल हो जाते हैं। को भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा ही डाल के आप कीजिएगा।
फ्रेंड्स मैंने फ्राई कर लिया है, अभी हम इसमें शिफ्ट करेंगे बड़े बर्तन में। अभी हम मसाला दाल डालेंगे, रेडीमेड है वो, इसमें भी नमक और मसाला रहता है। तो अभी हम हल्दी डालेंगे, अंदाज से आपको थोड़ा और डालना है। लाल मिर्च पाउडर आपको जितना तीखा रखना है उतना आप डालिए, मेरे कश्मीरी मिर्ची है लाल मिर्च पाउडर। नमक, दाल में भी नमक रहता है, ज़्यादा रहता है उसमें। और शक्कर को मैंने मिक्सचर में पाउडर किया है, आप चाहे तो ऐसे ही शक्कर डाल सकते हो, आपको जितना मीठा रखना है उतना रखें, ज़्यादा मीठा नहीं करना है हमें। इस तरह से हमें हाथों से मिक्स कर लेना है। इसमें आपको नमक, शक्कर और तीखापन को बैलेंस करके रखना है और टेस्ट कर लीजिए आप बीच में, आपको जो नमक वगैरह डालना है, शक्कर, नमक या तीखापन आप डाल सकते हो। फ्रेंड्स वैसे तो चूड़ा हर घर में बनता है, पर ये चूड़ा बहुत ही सिंपल और टेस्टी है, आप इसे ज़रूर बनाएं। जिसने भी ये चूड़ा खाया है उन सब ने हमारी रेसिपी मांगी है और वो खुद हर दिवाली पर बनाते हैं, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा आपको ये चूड़ा कैसे लगा। तो फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली आप सबको, और ईद आप एक चूड़ा दिवाली पर, क्रिसमस पर और ईद पर कभी भी बना के खा सकते हैं, और चाय के साथ भी आप ऐसे ही घर पर बना के रख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट देना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।